हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स के अगले पार्ट पे आ चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में काफी चीजें देखी थी कि फाइल एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, सिंगल फाइल देखी। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मल्टीपल फाइल एग्जिट से। ठीक है, अगर मल्टीपल फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो देखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने इक्वल देखा था, राइट, और हमने मल्टीपल एग्जिशन मतलब मल्टीपल कंडीशंस देखे थे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मतलब जब हमने कंपेयर किया था 1, 2 और 3 में से कौन सबसे बड़ा नंबर होगा, राइट, मतलब 10, 20 चीजें, मतलब 3 वेरिएबल में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये भी हमने कमांड चेकआउट करी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल फाइल एग्जिस्ट से कि अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो क्या वो मल्टीपल फाइल एग्जिस्ट करती हैं। मतलब लास्ट वीडियो में हमने सिंगल फाइल देखी थी कि अगर हमने एक फाइल चेक करी थी resolve.conf करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो फाइल चेक करेंगे कि क्या वो दो फाइल्स हैं। मतलब आप वो दो फाइल नहीं, आप कितनी फाइल लगा सकते हो, बट कैसे लगाते हो उसको हम आज देखेंगे। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने कंसोल के अंदर, मतलब अपने जो टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। और ये सेटअप अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नॉट लिस्टेड पे, यहाँ मैं क्लिक करने वाला हूँ रूट पे, ठीक है, और यहाँ क्लिक करूंगा रेड हैट। बाकी आपने जो बनाया होगा पासवर्ड आप वो लॉग इन कर लेना, ठीक है। और आप इसको कहीं भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप चाहो तो अपने वर्चुअल मशीन्स पे कर सकते हो या और भी कई सारे बैकग्राउंड्स हैं जहां पे आप लिनक्स को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको ये वाला सेटअप चाहिए वीएमवेयर का सेटअप, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां मैंने दिया हुआ है लिंक, ठीक है, वीएमवेयर सेटअप सेटअप का। तो आप वहां जा करके इसको देख सकते हो और वहां से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा सिंपली और यहाँ मैं कर दूंगा ओपन टर्मिनल, ठीक है। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे जिसके अंदर हम लिनक्स की सारी कमांड्स रन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा लिनक्स का वीएमवेयर है और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 करूंगा, ये जूम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी स्टार्टिंग होगी मल्टीपल अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट डॉट एस एस से, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, शायद ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं इतना रखने वाला हूँ, राइट। तो हमें देखना है कि मल्टीपल फाइल एग्जिट की क्या सेल स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे एंड यहां से मैं शुरू करने वाला हूं /bin/bash, ठीक है। ये हेडर होता है हर फाइल का। ओके, तो यहां मेरी कमांड रहेगी इफ, सॉरी फी तो बंद करने की होती है ना लास्ट में, इफ, राइट। और यहां से हम ओपन करेंगे, फाइंड करेंगे /etc/ जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी, राइट, सॉल्व कॉन्फ, ठीक है। एक तो ये फाइल सिंपल तरीका था फाइंड करने का, ठीक है। हम लगाएंगे -a एंड एंड फाइंड करो दिस फाइल को भी, होस्ट, ठीक है। ये दो फाइल आपको फाइंड करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। और इसको मैं कर दूंगा देन, आप इसको फाइंड कर लेना, ठीक है। इको करूंगा मैं कमांड, क्या क्या कमांड, ये अगर ये दोनों फाइलें मिल जाती हैं तो बोथ फाइल्स एग्जिस्ट, ठीक है, एल्स। देखो ये कोई इंडेंटेशन मैटर नहीं करता, आप चाहो तो इको स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हो। एंड मैंने टैब दबा दिया ताकि आपको फाइल मतलब एक एक प्रॉपर वो दिखे, है ना, एक सेटअप अच्छा दिखे। मैंने आज इको दबा दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो सेम चीज को, थोड़ा सा क्लियरली विजिबिलिटी के लिए मैंने कर दिया है। या आप कर सकते हो बोथ फाइल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मेरी दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें, तो यहां देखना होगा हमें। और मैं इसको F5 से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट कॉल एंड डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ जाएंगे बाहर, सेव एंड क्विट करके। अब मैं इसमें CH मोड करके इसकी जो परमिशंस है वो चेंज कर दूंगा, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स एग्जिस्ट डॉट SH, और मैंने कर दिया इसको चेंज, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूंगा मल्टीपल फाइल एग्जिस्ट डॉट SH एंड रन, ठीक है। ओके, सो डैश इज अ डायरेक्टरी, ठीक है। देखो अब मैंने लिखा बोथ फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, यहां मैंने ना बीच में एक गैप दे दिया, तो ये गैप नहीं देना है, उसको एज अ डायरेक्टरी वो काउंट कर रहा था, राइट। तो इसको रन करने का एक तरीका ये भी है, या फिर आप नॉर्मली रन कर सकते हो SH के बाद नाम डाल के .sh एंड तब भी रन कर जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा रहा, बोथ फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब वो तो बोथ फाइल्स है वो एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कैट के अंदर कौन सी दो फाइल्स की बात कर रहा है जो हमने यहाँ मेंशन करी थी, यानी etc resolve conf के अंदर जा करके भी फाइल है मेंशन, और etc के अंदर होस्ट नाम की फाइल भी मेंशन है, ठीक है। अगर मैं इसको फाइल का नाम चेंज कर देता हूं, सपोज करो, ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर देंगे, आई से प्रेस करूंगा मैं, ठीक है, और यहां पे मैं एक क्या कर दूंगा आर लगा दूंगा, ठीक है, रिसॉल्वर लिख दूंगा इसको, और इसके आगे ई लगा दूंगा होस्ट सी, ठीक है। एस्केप करूंगा, शिफ्ट क्यू सॉरी डब्ल्यू क्यू मार के बाहर आएंगे, सेव एंड क्विट कर देंगे इसको,
डब्ल्यू मार के बाहर आएंगे एंड अब मैं इसको रन करता हूं अगर, ठीक है, बोथ फाइल डज नॉट एग्जैक्टली क्या रहा है, क्योंकि वो फाइल वहां पे है ही नहीं, है ना, मतलब मुझे देखना कहाँ पे है, इसके अंदर जाके देखना है मुझे, राइट। तो मैं अगर चेक करना चाहूँ कैट ई टी सी कैट रिजॉल्व डॉट कॉन, ठीक है, और ये अगर मैं चेक करता हूँ एंटर करूंगा तो सी दिस इज द फाइल, ठीक है, ये फाइल है यहाँ पे, है ना, बट अगर मैं जो रिसॉल्वर वाली फाइल है वो यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको वापस से चेंज करके चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई प्रेस कर दूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे एंड यहाँ से आर हटा देंगे इसको, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या कहता है ये, शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक फाइल एग्जिट कर रही है एक फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अब ये क्या कहता है, बोथ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि बीच में हाइफन ए लगा हुआ है, मतलब मुझे दोनों फाइल सही होंगी यहाँ पे, राइट। या तो मैं सबके लिए अलग अलग कमांड्स लिखूं कि अगर ये वाली फाइल आती है तो आप ये प्रिंट कर देना, ये वाली फाइल आती है तो ये प्रिंट कर देना, मतलब एज सो ऑन, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहां से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहां से हटा देता हूँ, एस्केप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू एस्केप मार करके बाहर आ जाएंगे अपन, और मैं यहां इसको रन करूंगा, बोथ फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला आज का, ठीक है। हम सेकेंड करने वाले हैं कि डायरेक्टरी चेक करेंगे कि क्या जो डायरेक्टरी है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, है ना। हम अभी फाइल का चेक कर रहे थे कि वो कॉल डॉट फाइल जो है वो रिजॉल्व डॉट फाइल जो है वो चेक कर रहे कि नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही है, बट इस बार मैं चेक करने वाला हूँ कि स्लैश टीएमपी जो डायरेक्टरी है मेरी, है ना, टेम्पररी फाइल्स की डायरेक्टरी, क्या वो एग्जिस्ट करती है। देखो लिखा है ना इज अ डायरेक्टरी, मतलब ये है, अब मैं चेक करना है क्या एक्चुअली में उसको, मैं उसको शेल स्क्रिप्टिंग से सर्च कर सकता हूँ या नहीं। उसके लिए हम बनाने वाले हैं डायरेक्टरी अंडर स्कोर एग्जिस्ट डॉट एस एच, ठीक है, एंटर किया मैंने, अभी डायरेक्टरी एग्जिस्ट हो गई है। अब मैं यहां पे इसका हेडर डाल दूंगा बिन स्लैश बैश राइट। अब यहां से हम शुरू करने वाले हैं, छोटी सी अलग से कमांड होने वाली है, ठीक है, फाइल या फाइल नहीं, इसमें हम डायरेक्टरी, है ना, डायरेक्टरी डायरेक्टरी इज इक्वल टू स्लैश टेम्पररी फोल्डर, बस इतना चेक करना है आपको, इफ अगर तो ये आपको फाइंड हो गई है ना, हाइफन डी करेंगे हम डायरेक्टरी के लिए, हमने एफ से फाइल फाइंड करी थी, यहाँ पे हम डायरेक्टरी फाइंड करेंगे, एंड मैंने यहाँ लिख दिया है कि डी आई आर, अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, इफ यू फाइंड डायरेक्टरी देन देन आप प्रिंट कर देना, ऐसे करके मैं प्रिंट करवाता हूँ, देन डॉलर डी आई आर एग्जिस्ट, बस इतना प्रिंट कर देना, दैट्स इट फाइल, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ एल्स भी लिख देते हैं इसमें, एल्स एल्स आप ये प्रिंट कर देना डॉलर डी आई आर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट लिख सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग को मत ध्यान दिया करो यहाँ पे, ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो। मैं यहाँ पे फाई कर दूंगा, एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू दोनों स्मॉल में रहेंगे लोअर केस में, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब सेव एंड क्विट करके हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। इसको हम सी एच मोड कर देंगे, ch mode plus x, क्योंकि इसको हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल की देनी होती है परमिशन, ठीक है, डायरेक्टरी और sh, और मैंने ये दे दी, ठीक है। अब मैं इसको रन कर लूंगा, तो इसको रन करने के दो तरीके होते हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया इसको रन, अब इसने बोला स्लैश tmp exists, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेंज कर दूं एक चीज कि जो डायरेक्टरी का नाम मेरा उसको मैं कर दूं टम्पो, ठीक है, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ जाऊंगा बाहर, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूंगा एंड सीरीज, टम्पो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो नहीं कर रही एग्जिस्ट, मतलब ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड आपकी डायरेक्टरी में जाती है, वहां पे जाके चेक करती है कि क्या इस नाम की कोई डायरेक्टरी है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी कमांड थी, ठीक है। तो आपने दो कमांड चेक कर ली है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियोस रहें, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चेक करूंगा कि किसी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। वैल्यू मतलब कि बेसिकली कोई वैल्यू नहीं सर्च कर रहा हूं मैं, जो मेरी अभी अगला कमांड है बेसिकली वो है एक तरीके से कि वो फाइल जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है, ऐसे आप समझ लो कि मतलब उस फाइल के अंदर कुछ लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो उसको हम कैसे चेक करने वाले हैं अभी देख दिखाता हूं मैं आपको। मैं एक बनाऊंगा डायरेक्टरी, कंट्रोल एल कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर, यहां मैंने बनाया विम वेरिएबल अंडर स्कोर एम्प्टी डॉट एस एच, ठीक है, आई प्रेस करेंगे इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, यहां मैं डालने वाला हूं स्लैश बिन स्लैश बैश, ये कितना बना गया बाहर, और यहां से लेंगे हम यूजर का इनपुट,
ठीक है, हाइफन पी प्रिंट कराएंगे और हम इस यूजर से पूछेंगे एंटर द वेरिएबल वैल्यू, राइट। इसको हम जब इनपुट कराएंगे तो जो हम डालेंगे ना, जो इन इनपुट करेंगे वो चला जाएगा कहाँ पे, वो चला जाएगा वेर के अंदर, ठीक है। अब वेर के अंदर जाने के बाद वो उसको अब कंडीशन में वेरीफाई करेगा, कैसे, हाइफन जेड, ठीक है। ये वेरिएबल चेक करने के लिए, एम्प्टी फाइल चेक करने के लिए होता है, ठीक है। डॉलर वेर, सिर्फ इतना चेक करना है मुझे, ये मैंने क्लोज कर दिया एंड डन। अगर वैल्यू मिल जाती है इसको, मतलब वो चेक करेगा एम्प्टी फाइल, अगर उसको एम्प्टी फाइल मिल जाती है, जेड इफ जेड इज वेर, मतलब जेड वेर है, मतलब कि जेड का मतलब है कि एम्प्टी है अगर वेर, है ना, तो देन यू हैव टू प्रिंट इको। आप ये इंडेंटेशन की टेंशन मत लेना, आप इस इको को यहां भी रख सकते हो, शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं बस यहां से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, डिफरेंस दिखे, ठीक है। इको आप कर सकते हो वेर इज एम्प्टी, राइट, ठीक है, एल्स, या फिर आप प्रिंट कर देना वेर इज नॉट एम्प्टी, पी कर देंगे हम, इसे कर देंगे क्लोज यहां से, सेव एंड क्विट करेंगे, कैसे, शिफ्ट कॉल एंड डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब इसको हमेशा की तरह देंगे वैल्यू को एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है, दे दिए मैंने। ओके फ्रेंड्स, इसको हमने सी एच मोड कमांड दे दिए, अब मैं इसको कर लेता हूँ रन, ठीक है। तो रन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे पुट करूंगा दिस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, अगर तो मैं इसको नॉर्मली एंटर कर दूंगा तो ये लिख देगा कि वेरिएबल इज एम्प्टी, राइट। और अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक कुछ भी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, बस सिंपल चीज है, इसको एम्प्टी बताना है या नॉट एम्प्टी बताना। अगर तो कुछ टाइप किया मैंने तो ये कह देगा नॉट एम्प्टी, अगर मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है, इज नॉट एम्प्टी, बट अगर मैं इसको एज इट इज रखूंगा तो कह देगा इज एम्प्टी। तो ये वाली बहुत सिंपल सी कमांड थी, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल कमांड थी, थोड़ी सी मतलब मुझे पता है एक दो लोगों को दिक्कत हो सकती है इसमें, तो ठीक है, तो चलते हैं हम आगे और दो तीन चीजें और देख लेते हैं इसमें, राइट। अब मुझे आपको दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इस चीज को एक ही वीडियो में, ठीक है, जिसमें मुझे दो वीडियोस ना बनानी पड़े इसके लिए। अब मुझे चेक करना है कि जो एक कमांड है, मैं आपको पहले इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ, ठीक है, विम वेरिएबल नॉट एम्प्टी, ठीक है, डॉट एस एच। तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, दिस बिन बैश, ठीक है, यहां तक आ गए, यहां करूंगा मैं रीड हाइफन पी, ठीक है। अब मैं एंटर करवाऊंगा, एंटर द यूजर नेम दैट यू वॉन्ट टू डिलीट, ठीक है, और ये हमारा चढ़ जाएगा यूजर नेम के अंदर, मतलब मुझे यूजर नेम लिख करके आया, ठीक है, ये इतना लिख करके प्रिंट होगा मेरे सामने स्क्रीन पे, एंटर द यूजर नेम दैट यू वॉन्ट टू डिलीट। आपको यूजर नेम यहां बताना है, ठीक है, जो भी आप यूजर आपने अगर कोई क्रिएट किया है तो उस यूजर को मुझे डिलीट करना होगा, राइट। तो यहां मैं लिखने वाला हूं यूजर नेम का नाम, जैसे जो जो भी डालूंगा वो यहां पे चढ़ जाएगा, ठीक है, देन देन ये मुझे प्रिंट करेगा देन इको, ठीक है, और ये क्या करने वाला है, सॉरी, यू एस ई आर वेर यूजर इज एग्जिस्ट एंड कर देगा आई एम डिलीटिंग इट, ये भी कह देगा, ठीक है, कि यूजर इज एग्जिस्ट एंड आई एम डिलीटिंग इट, मतलब यूजर एग्जिस्ट हो रहा है उसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब कैसे करेगा इसको डिलीट, ये ऐसे करेगा, ये यहां पे कमांड मेरी रहेगी यूजर डिल, ठीक है, हाइफन आर, और उस यूजर को डिलीट, राइट। अब ये इसको डिलीट भी कर देगा साथ के साथ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे आप वैसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलते हैं नीचे, ठीक है, और यहां आने के बाद मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगा एल्स, एल्स यू हैव टू बी लाइक प्रिंट, अगर वो यूजर नहीं है, ठीक है, यूजर वेयर नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म, ठीक है। देखो हम सर्च करेंगे, या तो हमको वो यूजर मिलेगा या तो वो नहीं मिलेगा, राइट, हमें वो पूछेगा एंटर द यूजर नेम, अगर यूजर नेम मिल गया तो वो प्रिंट करेगा यूजर इज एग्जिस्ट एंड आई एम डिलीटिंग इट, मतलब यूजर मुझे मिल गया और मैं उसको डिलीट करने जा रहा हूं, और ये कमांड रन कर देगा, वही वाली कमांड,
मतलब यूज है अपने आप डिलीट हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक एकदम ठीक है। एंड देन अगर वो नहीं मिलता है बाई चांस, जो यूजर सर्च किया उसने वो नहीं मिला उसको, तो वो यहां तक आ जाएगा ठीक है, दिस एल्स ये आ जाएगा दिस 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 ठीक है, इसको आप ऐसे कर लेना। बट इसके हाँ एक चीज मुझे मिस हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, इंसर्ट मोड पे जाएंगे अपन, थोड़ा नीचे करेंगे, मुझे इफ तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, इफ मुझे एंटर करना है यहां से हाइफन एन, और ये सर्च करेगा यूजर वेयर को, पहले सर्च भी तो करेगा ना, तब तो बताएगा कि मिला कि नहीं मिला राइट। अब सही है ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रीड करेगा ये ठीक है, ये पढ़ लेगा, अगर उसको एन मिल गया मतलब यूजर वेयर ठीक है, जो उसने यहाँ पे यूजर नेम लिखा वो आ गया यूजर वेयर के अंदर ठीक है, तो अगर उसको यूजर वेयर मिल गया यहाँ पे तो क्या करने वाला है ये उसको एग्जिस्ट बताएगा एंड उसको डिलीट कर देगा ठीक है। ओके सो इसके लिए क्या करेगा, पहले मुझे इसको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करनी पड़ेगी मुझे कमांड, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार लाइव रहूँ सब कुछ ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंसर्ट मोड डालेंगे, थोड़ा इसको करो नीचे, यहाँ पे मुझे एक कमांड और रन करनी है, जो यूजर वेयर मैंने डिफाइन किया है ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे उसके अंदर क्या आना है वो मैंने डिफाइन नहीं किया था, उसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ डॉलर ठीक है, डॉलर करके वो सर्च करेगा कैट ETC पास WD के अंदर हमारे सारे यूजर्स होते हैं ठीक है, उसमें से ये ग्रैब कर देगा यूजर नेम को, कट -D ये डेलीमीटर होता है कि कहां से कहां के बाद आपको कट करना है, मैं आपको समझा दिखाऊंगा अभी वो, एंड F1 यानी पहली फील्ड हमारी राइट डन। तो ये है हमारी एग्जैक्ट कमांड, एग्जैक्ट हमारा पूरा कोडिंग ये है ठीक है, इसमें कोई चेंजेस में नहीं होंगे। देखो पहले रीड करेगा, एंटर द यूजर नेम दैट यू वांट टू डिलीट, पहले आप बताओगे कौन सा यूजर नेम डिलीट करना है, एंड वो उठाए कहां रख देगा यूजर नेम के अंदर डाल देगा ठीक है, कहां कर देगा यूजर नेम के अंदर डाल देगा, तो वो यूजर नेम क्या करेगा, वो पहले तो ये इस कमांड से, सॉरी यहाँ कैट कमांड आएगी ठीक है, मैंने कार लिख दिया यहाँ पे, कैट कमांड आएगी, कैट कमांड से वो जाएगा उसके अंदर प्रिंट, मतलब कैट कमांड से वो उसके अंदर फाइल देखेगा ठीक है, इसके अंदर चेक करेगा वो, एंड उसको ग्रेप कर देगा, ग्रेप मतलब फिल्टर कर देगा, और फिल्टर किस बेसिस पे करेगा, जो हमने यूजर नेम दिया है उस यूजर नेम को फिल्टर कर देगा, एंड इसका मतलब है डेलीमेटरी का मतलब है जब वो यूजर नेम प्रिंट करता है तो एक इतनी बड़ी लाइन बन के आ जाएगी पूरी ठीक है, वो यूजर की, पर यहाँ पे ना एक सेमी कॉलन, शिफ्ट सेमी कॉलन यहाँ पे लिखा होगा उसका ठीक है, तो इसके बाद की वो सारी फाइल मतलब पूरी लाइन डिलीट कर देगा, वो सिर्फ आपको स्टार्टिंग का नाम फिल्टर करके रखेगा, उसके हिसाब से वो चीजों को मतलब सर्च करेगा। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, मुझे पता है आप लोगों को शायद दिक्कत हो इसमें हल्की फुल्की लग रही होगी दिक्कत, बट असल में ऐसा कुछ है नहीं, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यों करूंगा, एसकेएमटी मार्क करके आ जाऊंगा बाहर, और पहले मैं इसको CH मोड कमांड दे दूंगा ठीक है, तो ओके सो CH मोड मैंने प्रॉपर नहीं दिया, CH मोड प्लस X एंड अब देनी है मुझे वो कमांड दिस इज ठीक है, ये मैंने कमांड दे दी, कंट्रोल L से मैं कर दूंगा बाहर आ जाऊंगा ठीक है। अब मैं कहने वाला हूं फ्लैश वेरिएबल नॉट एम्प्टी डॉट SH, रन किया मैंने ठीक है, एक मेरा यूजर है मुझे पता है FTP यूजर करके एक यूजर है ठीक है, सो FTP यूजर इज एग्जिस्ट आई एम डिलीटिंग इट राइट, FTP यूजर यूजर आई डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे इसने मेंशन कर दिया राइट, मतलब एक उसको यूजर मिला इसने उसको डिलीट कर दिया ठीक है, तो एक काम करते हैं हम पहले एक यूजर फटाक से क्रिएट करता हूं मैं, यूजर एड क्लाउड ठीक है, अब मैं इसको सर्च ये करूंगा क्लाउड, क्लाउडी यूजर इज एग्जिस्ट आई एम डिलीटिंग इट, यूजर क्लाउडी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब पहले उसने इसको डिलीट कर दिया एंड वो अब कह रहा है कि अब वो डिलीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डिलीट हो गया है राइट। एक बार मैं इसकी जो है फाइल को दोबारा चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, रीड -P एंटर यूजर नेम दैट यू वॉन्ट टू डिलीट, और ये डाल दिया मैंने यूजर नेम के अंदर, देन यूजर वेयर ये डाला मैंने डॉलर का साइन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गाइस, ये यहाँ पे आई से इंसर्ट मोड डालूंगा एंड यहां से मैं इसको लूंगा, एंड लास्ट में आई यहां से प्रेस हो गया गलती से मेरे से इंसर्ट मोड का ठीक है, अब ये हो गई कमांड रेडी ठीक है, जब आप रन करोगे आपको दिखेंगे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है ठीक है। सो अब देखो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा FTP यूजर मैंने डाला, तो इसने बोला कि भैया ऐसा यूजर है ही नहीं हमारे पास ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यूजर ऐड कर देता हूँ एक क्लाउड टेक बर्नर नाम का ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया यूजर, अब मैं कमांड रन करता हूँ ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा क्लाउड टेक बर्नर कोड कर दो डिलीट, उसने बोला क्लाउड टेक बर्नर यूजर इज एग्जिस्ट आई एम डिलीटिंग इट, अब इसने डिलीट कर दिया ठीक है, मतलब उसने यूजर को ढूंढा, अगर कोई यूजर है तो मुझे बता दो ठीक है, और उसने उसको डिलीट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी कमांड एक्चुअल में क्या काम कर रही थी ठीक है,
तो ये इसके मैंने बाहर लिख दिए, जो मैंने अंदर लिखा था ना फाइल के अंदर, वो कैट डाल के हमने बाहर बुला लिया, ठीक है। सो अब देखो, अगर मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊं, इतनी कमांड को मैं यहां से कॉपी कर लूं, आप कंट्रोल शिफ्ट किसी से भी कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हो, एंड थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहां से यूजर वेयर को हटा देता हूं, ठीक है, और सिर्फ इतने कमांड में अगर चलाता हूं, ठीक है, सिर्फ इतने कमांड, तो क्या सब शो कर रहा है? रूट ऑपरेटर, ठीक है, क्या शो कर रहा है? रूट ऑपरेटर। अगर मैं आपको सिर्फ ये भी हटा दूं, ओके, तो इसमें जब तो इतनी कमांड डाली, सिर्फ कैट वाली कमांड डाली यूजर नेम तक, तो इसने क्या किया, इसने जो जो यूजर्स थे मेरे पास, दो यूजर्स थे, एक रूट एक ऑपरेटर, इन दोनों को उसने इसने मुझे पूरा शो कर दिया, ठीक है। बट अगर मैंने इसी कमांड के आगे इतना मैंने और लिख दिया था कि कट कर दो डेलिमीटर से यहां के बाद से, राइट, यही था ना, कौन सी फील्ड से, वन फील्ड से, तो इसने इस रूट के बाद को, ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, और ये आगे जो काम किया इस लाइन ने, वो ये किया कि डेलिमीटर लगा दिया, जो यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये शिफ्ट सेमी कॉलन, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसके बाद की सारी लाइन इसने डिलीट मार दी थी, और हमें क्या शो किया था, सिर्फ रूट, सिर्फ पहला वाला। सेम उसने यूज किया था ऑपरेटर के साथ भी, ऑपरेटर के यहाँ पे इसने डेलिमीटर लगाया, एंड डेलिमीटर यहां से लेके यहां तक की लाइन उड़ा दी, ठीक है। आप सेम कमांड ऐसे यूज कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे फील्ड थ्री कर देता हूँ ना, तो आप देखना क्या लिख के आता है। फील्ड थ्री का मतलब होता है कि थर्ड वाली फील्ड, यानी होगी फर्स्ट, ये होगी एक्स, हो गया सेकंड, एंड जीरो हो गया थर्ड फील्ड, यहाँ पे हो गया ऑपरेटर फर्स्ट, एक्स हो गया सेकंड, और ये 11 हो गया थर्ड फील्ड। तो अगर मैं थर्ड फील्ड का फिल्टर लगाता हूँ, तो ये सिर्फ जीरो और सिर्फ 11 से मुझे प्रिंट किया है। तो आप लोग ऐसे समझो कि वो इस कमांड को यूज करके वो प्रिंट करता है, फिल्टर करता है यूजर नेम को, जैसे आपने ये यहां से जब यूजर यूजर सर्च करता है ये, तो ये एक तरीके से आप ऐसे समझो कि ये कमांड क्या करता है, ये इसको इसको पूरा एक पहले फिल्टर कर लेता है ये, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जब ये इस तरीके से आ जाता है, इसमें से इतना इतना क्रॉप कर देता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर देखता है पहला वाला जो है वो यूजर हमारा मैच कर रहा है, अगर होता है तो उसको उठा के डिलीट कर देता है ये, ठीक है। तो ये कुछ कमांड ऐसे काम करती है, आप कंफ्यूज मत होना, आपको गड़बड़ लग रहा होगा या टेंशन हो रही होगी, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इसको ट्राई करके लिखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारा जो अगला है वो है लेस देन इक्वल, ठीक है। अब मैं बनाता हूं विम लेस देन इक्वल डॉट एस एस, ठीक है, एंड कर दूंगा एंटर, आई प्रेस करूंगा, इसमें एंटर कर दूंगा बिन स्लैश बैश, ये डाल के मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। यहां मैं करने वाला हूँ रीड हाइफन पी से, ठीक है, और ये मुझे प्रिंट करके देगा एंटर अ नंबर दिस, और ये हो गया वेयर, ठीक है। बताओ, मैंने इसको बोला एंटर अ नंबर, एक नंबर बताओ, और ये नंबर कहाँ चला जाएगा, वेयर के अंदर, ठीक है। सो हमने देखा था लास्ट वीडियो में लेस देन, हम लोग यहाँ लेस देन एंड इक्वल भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने इसको नंबर प्रिंट करवा दिया, ठीक है, अब वो नंबर चेक करेगा इफ, ठीक है, अब वो इफ चेक कर रहा है कि इफ डॉलर वेयर हाइफन लेस देन, जैसे जीटी था हमारा ग्रेटर देन, एलटी है लेस देन, ठीक है, मतलब देन हो गया यहाँ पे लेस देन 10, ठीक है, ये हो गया। तो आप प्रिंट कर देना भाई, सीधा सीधा प्रिंट कर देना द वेरिएबल, यहाँ पे ऐसे मेंशन कुछ भी कर सकते हो यार, इको के अंदर अब आपके ऊपर डिपेंड है, चाहो तो वेर मेंशन करो, चाहे तो मस्त करो, इज लेस देन 10, ऐसे आप मेंशन कर दो, ठीक है, एल्स या फिर एल इफ कर दो। इसके अंदर मैं देता हूँ एक कंडीशन, अगर डॉलर वेर जो है वो लेस देन या इक्वल टू है 10 के, ठीक है, अगर वो इक्वल टू है 10 के, तो आप प्रिंट कर दो द वेरिएबल वेर इज, ओके, यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, यहाँ पे मुझे इसको देन भी लिखना होता है, ठीक है, यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो देन वेर इज इक्वल टू 10, राइट, एल्स आप इको प्रिंट कर देना, हम ग्रेटर देन लिखेंगे, द वेरिएबल इज, द वेरिएबल वेयर इज नॉट लेस और नॉट लेस या इक्वल टू 10, ना ये छोटा है ना ये इक्वल है 10 के, सिंपल सी कमांड है मेरी, ठीक है, एकदम सिंपल सी कमांड रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दी है, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, एक जो मुझे एरर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि मैंने क्या किया है, ईगो कमांड से यहाँ से ओपन तो किया है मैंने डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर,
बट मैंने उसको क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्लोज कर देंगे, ये मैंने कर दिया इसको क्लोज, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर देना, ये मैंने कर दिया इसको भी क्लोज, ठीक है। तो अब ये मेरे कमांड हो चुकी है रेडी। अब मैं डब्ल्यू क्यू करके बाहर आ जाऊंगा, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, आपके सामने कमांड लिखो ताकि आपको लगे कि कमांड्स कैसे बोल रहा हूं, जैसे बोलता हूं वैसे यहां पे लिखता हूं, ठीक है। कर दिया मैंने एंटर। अब इसको मैं सी एच मोड के साथ इसकी परमिशन इसको एग्जीक्यूटेबल दे दूंगा, ठीक है। लेस देन इक्वल दे दिया मैंने परमिशन, इसको मैं रन कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताना एक नंबर, अगर मैं यहां करता हूं 9, द वेरिएबल इज लेस देन 10, ठीक है, द वेरिएबल इज लेस देन 10। अब देखो 10 के बाद वो जो ब्रैकेट ले रहा है ना उसको देखो सही करना पड़ेगा, थोड़ा सही कर लेते हैं हम, ठीक है। लेस देन 10 है अगर, ओके। अब वो क्यों ले रहा है ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ एंड में ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट आप हटा सकते हो, आई प्रेस करूंगा मैं, एनी हट जाएगी ब्रैकेट यहाँ से भी, राइट। एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू, सेम एंड एग्जिट, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ एंड आप देखते हैं 87 किया मैंने, द वेरिएबल 87 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब छोटा और उससे मतलब 10 या उससे छोटा नहीं है वो, ठीक है। मैंने यहाँ ग्रेटर देन 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग लेस देन की बात कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ 8 इज लेस देन 10, राइट। अगर मैं यहाँ रन करता हूँ फिर से 10, द वेरिएबल 10 इज इक्वल टू 10, है ना, द वेरिएबल 10 इज इक्वल टू 10। तो आप लोग चीजों को ऐसे ही तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी है सेल्फ स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और हम लोग इन चीजों को कैसे यूज करते हैं ना रियल लाइफ में, जैसे अगर आपके पास कोई डेटा आया, आपके पास एक फाइल आएगी, उसके अंदर कस्टमर डिटेल्स होंगे, यानी उस कस्टमर डिटेल्स को आपको चेक करना होगा कि जो हमारे पास जितनी फाइल्स आई हैं उसमें से छोटी फाइल कौन सी है, किसका साइज इतना है। तो उन चीजों को हम लोग इन्हीं छोटी मोटी कमांड से रन करते हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पूरे का 30-40% ही आपको यूज होगा रियल लाइफ में। जो वर्किंग में है उनको अगर वो देख रहे हैं वीडियो वो भी समझेंगे कि कितना यूज है इसमें से, और जो वर्किंग में नहीं है उनको पता होगा सिर्फ 30-40 ही यूज होने वाला है। जितना मैं पढ़ाऊंगा ना आपको लगेगा कि आज मैंने बहुत सारा सीख लिया है, बट काम में सिर्फ 30-40% ही रहा है, बट वो 30% 40% कोई भी किसी के साइड मतलब जगह पे हो सकता है, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा मतलब ज्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, आपको 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे किसी फाइल में अगर परमिशंस हैं कि उसके पास कौन से परमिशंस हैं, बट हम लोग चेक करने वाले हैं एग्जीक्यूटेबल परमिशंस कि किस किस फाइल में एग्जीक्यूटेबल परमिशन है कि नहीं है। तो मैं यहाँ एक एक काम करता हूँ, एल कर लेता हूँ, कंट्रोल एस स्क्रीन क्लियर कर लेंगे। विम चेक करूंगा मैं फाइल अंडर स्कोर एग्जीक्यूटेबल डॉट एस एच मैंने बनाई, आई से प्रेस करूंगा बिन स्लैश बैश, ठीक है। अब इसको रीड करने को बोलूंगा कि भैया प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एंटर द फाइल नेम, ठीक है। आप मुझे कोई फाइल नेम बताओ जिसकी मुझे परमिशन चेक करनी है, राइट। तो ये कंप्यूटर बोला कि मुझे बताओ कौन सी फाइल है, आपको अपने नेम की परमिशन चेक करनी है, तो ये प्रिंट करेगा हाइफन पी, समझ लो आप जो टाइप करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा साथ के साथ, ठीक है। तो वो उसको उठा के डाल देगा फाइल के अंदर, ठीक है। अब फाइल से अपन कैसे कॉल करेंगे और कैसे चेक करेंगे, देखो अब चेक करेगा वो इफ हाइफन एक्स, ये परमिशन होती है हाइफन एक्स की, जो परमिशन है वो अगर आपको मिल जाती है किसके अंदर, फाइल के अंदर, राइट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दो आप, देन E को आपको ये प्रिंट करना है फाइल, और यहां पे फाइल का नाम जो मैं डालूंगा वो यहां पे अपने आप ले लेगा, इज एग्जीक्यूटेबल, राइट, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। एल्स E को डाल देना फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, राइट। एफ आई करेंगे, क्लोज कर देंगे, शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क करेंगे बार। बहुत सिंपल सी कमांड थी, ठीक है। सी एच मोड डाला मैंने फाइल के साथ, सॉरी यस, तो फाइल करता हूं पहले मैं, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कर दूंगा एंड एंटर, ठीक है, ओके। तो ये कमांड पूरी नहीं है, मुझे बतानी है इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन इसको देनी है ना, क्योंकि तो सेम परमिशन मुझे देनी थी और इसी का हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले काम करता हूँ, मैं एल एस हाइफन एल आर टी पहले फाइल चेक कर लेता हूँ कि मुझे किसकी चेक करनी है, राइट। तो मैं ओके एल एस हाइफन एल आर टी एस मैंने किया एंड सी दिस, ये सारी फाइल्स है मेरी, ये सारी मेरी फाइल्स है। अब यहाँ देखो किस फाइल के अंदर एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, तो इस फाइल के अंदर एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, जो एक्स है ना ये है परमिशन एग्जीक्यूटेबल, तो इन चारों के अंदर नहीं है। तो मैं FTP वाली फाइल एक बार सर्च करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग इनमें से कोई फाइल चेक कर लेंगे जो ग्रीन कलर की है, ठीक है, या फिर आप यहाँ cloud.txt देख रहे हो, इसके पास भी परमिशन नहीं है।
तो हम यहीं से उठा लेते हैं, एक बार क्लाउड डॉट टीएक्सटी को ले लेंगे ठीक है, और एक बार इक्वल डॉट एसएच को ले लेंगे, किसी को भी ले सकता है, इसमें से कोई फाइल ले सकते हो ठीक है। मैं इसको रन करने वाला हूं फाइल एग्जीक्यूटेबल को, और रन करने के लिए क्या करेंगे अपन, डॉट स्लैश फाइल एग्जीक्यूटेबल डॉट एसएच। अब ये पूछ रहा है फाइल नेम बताओ, तो मैंने बताया क्लाउड डॉट टीएक्सटी इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, लिखा ना इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। ओके फिर से एक बार सर्च कर लेते हैं, तो मैं लिखता हूं इक्वल डॉट एस एच इज एक्सिक्यूटेबल, राइट। तो बहुत सिंपल सी कमांड थी, इसको बस फाइल पे जाता है, ये फाइल की परमिशन चेक करता है कि फाइल की परमिशन पे, या फिर आप समझो कि वो इस लाइन को चेक करता है ठीक है। इस लाइन को चेक करके अगर उसको एक्स मिल जाता है, अगर उसको एक्स मिल जाता है तो वो कह देगा कि हाँ ये एग्जीक्यूटेबल है, अगर उसको एक्स नहीं मिलता है तो कह देगा हाँ ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा ठीक है। बाकी आप चीजों को और सर्च कर सकते हो कि जो कमांड्स है वो, अगर आप मैन कट लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें ठीक है, कि मैंने क्या चीज बताई है, कैसे कैसे बताई है। जब मैंने हाइफन डी लिखा था वो डेलिमिटर होता है, यूज डेलिम इंस्टेड ऑफ टैब फॉर फील्ड डेलिमिटर ठीक है। डेलिमिटर जो हम लोग हाइफन डी यूज कर रहे थे, हाइफन बी बाइट्स के लिए, सी कैरेक्टर्स के लिए, एफ यानी फील्ड्स के लिए ठीक है, एन यानी विद बी डोंट स्प्लिट, लाइक जो भी चीजें हैं आप उनको यहां से पढ़ सकते हो ठीक है। कैसे पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैन हाइफन कट ठीक है, कंट्रोल सी कर दूंगा मैं, क्यू करके आप बना देंगे बाहर ठीक है। अब ये मैन कट आप डालोगे ना तो आप उसको पढ़ सकते हो चाहो तो। आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड मैंने यहाँ से कंडीशनल का सारा सारा टॉपिक कवर कर दिया है ठीक है, और अब कोई टॉपिक नहीं बचा है कंडीशनल का, हम आगे हम लोग लूप ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे राइट। तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराना तो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ले बाय, अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना, सी नेक्स्ट टाइम।